हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रोशन इंडियन व्लॉगर। सॉरी दोस्तों, इस बार मुझे व्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो गया। जाना नहीं चाहोगे आप लोग कि मुझे क्यों लेट हुआ, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलो देखते हैं कि मुझे व्लॉग डालने में लेट क्यों हो गया। जैसे कि आप सब देख सकते हो दोस्तों, मैं हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। भोपाल का ये मेरा पहला फॉलोअप है। मैं नहीं जानती भोपाल में कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। मेरी एक नेबर है, उन्होंने मुझे बताया कि आप आशा निकेतन हॉस्पिटल जाओ, वो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है और हमारे घर के नियर बाय भी है। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे 8 बजे वहाँ रिपोर्ट करना था। तो ये लो, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई भोपाल हॉस्पिटल के लिए। वीडियो में आप सबको दिख रहा होगा दोस्तों, भोपाल एक ग्रीन सिटी है, काफ़ी साफ सुथरी सिटी है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पे जगह ज़्यादा है और लोग कम, पॉपुलेशन कम होने की वजह से यहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। गूगल मैप ये दिखा रहा है कि मैं अपने हॉस्पिटल के नज़दीक पहुँचने वाली हूँ। कुछ ही दूर पर अब मेरा हॉस्पिटल है। ये लो दोस्तों, लग रहा है मुझे मेरा हॉस्पिटल आ गया। दोस्तों ये हॉस्पिटल का कैंपस तो बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्कूल दिख रही है, डिसेबल स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर स्कूल है। वाव, देखो कितना खूबसूरत कैंपस है। एक और एक एक स्कूल है जहाँ पर इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल, ओके दो इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है एंट्रेंस। वाव ग्रेट। यस, मैं अपने हॉस्पिटल के गेट पर पहुंच चुकी हूँ। तो चलो दोस्तों अंदर एंटर करते हैं। आशा निकेतन हॉस्पिटल, एट लास्ट मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। अब मैं अंदर एंटर कर रही हूँ। ओके, ये हॉस्पिटल का गेट है। हॉस्पिटल में जाने के लिए एंट्रेंस, जैसे कि आप सब देख सकते हो कि ये हॉस्पिटल के जाने के अंदर के एंट्रेंस के पहले ही मुझे फ़ाइल बनवानी होगी। ये आप देख सकते हो फार्मेसी की लाइन है जहाँ से हमें मेडिसिन ख़रीदनी होगी। थोड़ा आगे चल के देखते हैं। ओके, यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर है, अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद आई थिंक ओके, हाँ ये रिसेप्शन काउंटर है। ये ओपीडी में एंट्रेंस है, देखूँ मैं मेरी डॉक्टर मुझे कहाँ मिलेगी। यहाँ पर तो बहुत सारे डॉक्टर्स दिख रहे हैं। आई थिंक 9 नंबर कैबिन उनका है, लेट सी। यस करेक्ट, ये मेरी डॉक्टर का कैबिन है जिनका नाम है डॉक्टर SR शोभा। तो चलो इंक्वायरी कर लेते हैं। उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला, तब तक हम थोड़ा और कैंपस देखते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल है, नर्सेस की जहाँ पर स्टडी होती है। ओके, यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्री कोविड वैक्सीन अवेलेबल है। वाओ ग्रेट। ये देखो दोस्तों, ये वो गेट है जहाँ पर हैंडीकैप स्टूडेंट को लाके पढ़ाया जाता है। ग्रेट। अब आई शॉकिंग न्यूज़। अब जैसे कि आप सब देख सकते हो दोस्तों, ये हुआ मेरे साथ। इसी तरह मैं भी शॉक्ड हो गई, मेरे लिए भी ये सरप्राइज ही था। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपका 9th मंथ चल रहा है, हमें आपकी सोनोग्राफी करनी होगी। मैंने कहा ठीक है। जब डॉक्टर मुझे सोनोग्राफी के लिए ले गई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके बेबी का मूवमेंट बहुत स्लो है, आपको तुरंत एडमिट होना होगा। मैं तो बहुत डर गई, लेकिन फिर मैं एडमिट हो गई। 10 बज रहे थे, सैटरडे का दिन था, 10 बज रहा था दोस्तों। 10 बजे के टाइम डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। फिर उन्होंने अपना जो भी ट्रीटमेंट था वो सब किया। संडे के दिन 4 o'clock को उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया। अभी मैं ठीक हूँ दोस्तों। 7 days के बाद उन्होंने फिर मुझे फॉलोअप के लिए बुलाया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सब मेरे लिए प्रे करें ताकि मेरा बेबी मेरे हाथ में सही सलामत आ जाए। प्रे फॉर मी दोस्तों। जिन्होंने भी जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें, और आप लोग मुझे इसी तरह मोटिवेट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि मेरा व्लॉग कैसा था। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए